पुलिस की खाकी वर्दी को लोग इस नजर से देखते हैं कि उन्हें ये सेवा और समर्पण वाली वर्दी न्याय दिलाएगी, लेकिन इसको पहनने वाले कुछ पुलिस वाले रक्षक बनने की बजाय भक्षक बन जाते हैं, जिसकी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली जब एक विवाहित महिला ने आरक्षक पर धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल इंदौर के रहने वाले पति पत्नी बुधवार को रीगल तिराहे स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे और नीमच कैंट थाने पर पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध राठौर के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग व झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की माने तो नीमच में पदस्थ अनिरुद्ध राठौर ने सोशल मीडिया पर महिला से बात शुरू की थी, उसके बाद वो लगातार उससे मिलने के लिए दबाव बनाता रहा और साथ ही इंदौर के सरवटे बस स्टैंड स्थित होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार बलात्कार भी किया। हेलो, जैसी मंगल भैया। वही महिला की शिकायत पर इंदौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिगनकर ने महिला थाना को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाँ, इसमें पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे। पत्नी की शिकायत थी कि पुलिसकर्मी जो है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और गलत काम किए हैं, तो मैंने उसमें तत्काल महिला थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए हैं और सख्त कार्रवाई होगी। जितनी भी वर्दी पहनकर यदि गलत कार्य करेंगे तो उसमें अलग सेक्शंस लगेगी, जो बड़ी हार्ड सेक्शंस हैं, और जो भी उसने कृत्य किए हैं सब धाराओं में केस उसमें कार्रवाइयां होंगी। महिला के आरोप को लेकर पुलिस आरक्षक पर जल्द ही मामला दर्ज कर लिया जाएगा। वही माना जा रहा है कि मामले में जल्द आरक्षक की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।